हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसिपीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट तैयार होने वाली सब्ज़ी, जो कि है प्याज की सब्ज़ी। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हमारा जीरा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। आप इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है सब्ज़ी का। फिर हम इसमें डालेंगे हमारी साबुत लाल मिर्ची और इसको हम टॉस करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा स्लाइस्ड कटा हुआ प्याज और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टॉस करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट तैयार भी हो जाती है। जब हमारे घर में सब्जियों की थोड़ी कमी होती है तो हम ये बना लेते हैं। फिर हम इसमें डालते हैं हींग और इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम फर्दर कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस। पहले हम इसमें डालेंगे नमक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, फिर हम डालेंगे इसमें अमचूर, और लास्ट में हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डालते हुए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप इसमें स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, थोड़ा पानी का छींटा भी डाल सकते हैं। और इसको हम फर्दर कुक होने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और आप इसको कसूरी मेथी के साथ या धनिया पत्ते के साथ इसको गार्निश करिए एंड इसको सर्व करिए। डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड फॉरगेट नॉट टू फॉलो अस। थैंक यू सो मच।